आज हम बात करने वाले हैं लेक्चर थर्ड इन्वायरमेंट का, और ये सेकंड पार्ट होगा। इससे पहले बहुत सारे पार्ट आ गया, और ये पूरी प्लेलिस्ट है PT365 इन्वायरमेंट की। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला जो लेक्चर है, ये पहला जो टॉपिक है वो वाइल्ड लाइफ और कंजर्वेशन पे है। उसी का सब पार्ट है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN रेड लिस्ट। इम्पॉर्टेंट रेड लिस्ट है बेसिकली इन्वायरमेंट। GS पेपर 3 में सबने पढ़ा होगा IUCN के बारे में, और IUCN एक वर्ल्ड की ओल्डेस्ट ग्लोबल इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जो गवर्नमेंट और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन को प्रमोट करती है नेचर कंजर्वेशन के लिए और इकोलॉजिकल सस्टेनेबल यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्स। हर 4 साल IUCN कन्वे करती है IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस, ताकि वो सेटअप करे ग्लोबल कंजर्वेशन एजेंडा। तो इस कैटेगरी में IUCN रेड लिस्ट में आपकी 3 कैटेगरी में डिवाइड है। एक एक्सटेंट होता है, एक थ्रेटन होता है, और एक लीज कंसर्न होता है। तो जो ब्लैक में वाला एक्सट्रीम लेफ्ट में है, वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। उसमें जो हालत है एनिमल्स की, स्पीशीज़ की, जो है बहुत बुरी है। और लीज कंसर्न मतलब सही है, मतलब पॉपुलेशन अभी बहुत है। कैटेगरी को देखना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पूछा जा सकता है। लीज कंसर्न में 2 चीज़ होती है, LC और NT। ठीक है, लीज कंसर्न वही है जिसमें पॉपुलेशन स्टेबल है और एक्सटेंशन नहीं फेस करेंगी मतलब आगे जाके। और DD मतलब डेटा डिफिशेंट, कि डेटा अभी मतलब है ही नहीं उनके बारे में, कि बहुत अबेंडेंस में है। ठीक है, फिर आती है थ्रेटन, जो मिडिल में है बिल्कुल। इसमें वनरेबल, इंडेंजर्ड और CR मतलब क्रिटिकली इंडेंजर्ड ऐसा कुछ होगा आगे जाके, वो कैटेगरीज आती हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जो पहले तो नियर थ्रेटन की बात कर लेते हैं, वो क्वालिफाई करते हैं कि वो आगे जाके पॉसिबली थ्रेटन हो सकते हैं, लेकिन अभी नहीं है। वनरेबल की कैटेगरी जो येलो में है, वो फेस करती है हायर रिस्क ऑफ एक्सटेंशन। और इंडेंजर्ड की बात करो जो ऑरेंज में है, वो फेस कर रही है हायर रिस्क ऑफ एक्सटेंशन इन द वाइल्ड। तो जैसे जैसे लेफ्ट की तरफ जाता रहेगा, तो जो स्पीशीज है उनका हाई रिस्क बढ़ता रहेगा। तो आप देखो क्रिटिकली में एक्सट्रीमली चला जाता है, और उसके बाद एक्सटेंट इन द वाइल्ड। और एक्सटेंट इन द वाइल्ड मतलब बहुत ही कम बची है और अपने नेचुरल रेंज से आउटसाइड है। और एक्सटेंट मतलब विलुप्त हो गई है, मतलब ख़त्म ही हो गई, मतलब एक इंडिविजुअली में बचा या देखा होगा किसी को एक। तो यहाँ पे IUCN अपडेट करता है रेड लिस्ट जो थ्रेटन स्पीशीज़ की है। IUCN की रेड लिस्ट जो थ्रेटन स्पीशीज़ की है, वो कब आई थी, 1964 में आई थी। तो 1964 आप याद कर सकते हो, इम्पोर्टेंट है ये। और ये वर्ल्ड की कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेंट्री है, जो ग्लोबल कंजर्वेशन स्टेटस की बात करती है प्लांट्स और एनिमल्स की। सेटअप करती है क्वांटिटेटिव क्राइटेरिया, ताकि इवेल्युएट करें एक्सटेंशन रिस्क जो स्पीशीज़ का होता है, ग्लोबल स्पीशीज़ प्रोग्राम IUCN का। अपडेट की बात करें तो यहाँ पे 31 स्पीशीज़ है जो एक्सटेंड हो गया वाइल्ड में, जिसमें फिशेज आती है, शार्क्स आते हैं और फ्रॉग्स आते हैं, तो ये भी एक्सटेंड पे जा रहे हैं। 15 फ्रेश वाटर फिशेज जो है एंडेमिक है लेक लनुआ, जो कि फिलीपींस के आउटलैंड्स में, एंडेमिक मतलब उसी रीजन में पाए जाते हैं। लॉस्ट शार्क है, वो क्रिटिकल इंडेंजर्ड की कैटेगरी में आ गए हैं। और 3 मैकेडेमिया स्पीशीज़ जो प्रोथ्रिया का है, एक साउथ अफ्रीका का फ्लावरिंग प्लांट है, वो भी आपका इसमें आ गई है। अभी की बात करूँ तो यहाँ पे 112,432 स्पीशीज़ है IUCN रेड लिस्ट की, जो नियरली 1/3 है, 30,000 स्पीशीज जो थ्रेटन है विद एक्सटेंशन। फाइंडिंग्स की बात करूँ इंडिया के, तो पहला है कंफर्म नहीं है कोई साइटिंग जियोर्डन कोर्सरे सिंस 2009। अब जियोर्डन कोर्सरे क्या है, एक नॉक्टोरल बर्ड है, नॉक्टोरल मतलब रात में जगने वाली बर्ड है, जो ईस्टर्न घाट में पाई जाती है, ईस्टर्न घाट मतलब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। और ये श्रीलंका पे अभी पाए गए, श्रीलंका में कौन सा है ये, एक यहाँ पे श्रीलंकम लंकमेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। और ये इनहैबिट करती है ओपन पैचेस, स्क्रब फॉरेस्ट का हैबिटेट है, और इसका हैबिटेट ट्रिमेंडस प्रेशर पे रहता है, क्योंकि एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ होती है। नेक्स्ट है हिमालयन कोयल, तो ये लास्ट स्पॉट हुआ था 2010 में, हाँ उसके बाद एक्सटेंड हो चुका है, और इसके जो एस्टिमेट लगा रखा है 2023 तक ये पूरा ख़त्म हो जाएंगे, एक्सटेंड हो जाएंगे मतलब।
तो अगर मैं बात करूँ हिमालयन कोयल की, तो उनके कैटेगराइजेशन देख लेते हैं। एक मीडियम साइज बर्ड है जो फिजन फैमिली को बिलोंग करते हैं। इनकी रेड या येलो बिल होती है और लेग्स होते हैं, वाइट स्पॉट्स होते हैं आइस के अराउंड, और ये नेटिव है इंडिया के, और ये माउंटेन्स में पाए जाते हैं हिमालय में, ठीक है, उत्तराखंड के रीजन में, तो इसलिए इसका नाम हिमालयन कोयल है। अगर फाइव फ्रेश वाटर डॉल्फिन की बात करूँ, गंगा, अमेजोन, इंडस, इरावडी और टुकोशी, ये थ्रेटन विद एक्सटेंशन पे है, ठीक है, थ्रेटन विद एक्सटेंशन आप देख सकते हो, इसमें आपको दिख जाएगा कैटेगरी में। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ थी, तो आप याद कर सकते हो जितनी भी डॉल्फिन स्पीशीज़ है, जॉर्डन कोर्सेज है और हिमालयन कोयल है, तो ये तीन इम्पोर्टेंट चीज़ें जिसके बारे में बात करिए इसमें। यहाँ पे रेड लिस्ट असेसमेंट इंडियन ग्रास और ग्रास हॉपर का है। रिसेंटली ग्रास हॉपर स्पेशलिस्ट ग्रुप ऑफ IUCN ने इनिशिएट करा है रेड लिस्ट असेसमेंट ग्रास हॉपर का इंडिया में। तो पहले जान लेते हैं क्या है रेड लिस्ट। रेड लिस्ट जो थ्रेटन स्पीशीज का है 1964 में आया था, और ये आपका वर्ल्ड का कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेंट्री है ग्लोबल कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ बायोलॉजिकल स्पीशीज। यहाँ पे ये प्रोजेक्ट स्टार्ट करा था नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में, जो कि केरला, तमिलनाडु और कर्नाटका, मतलब सदर्न कंट्री में है। असेसमेंट स्पीशीज़ को इंक्लूड करता है, जैसे ग्रास ओवर होगी। अच्छा, ये जो नाम है ये आई थिंक नेटिव नाम है, या साइंटिफिक नाम भी हो सकता है, जो भी है इसका, तेतियो बस त्रिशूला या शिव पाइगैमी त्रिशूला, इसको डिस्कवर करा था एरविकुलम नेशनल पार्क में, केरला के इदुक्की डिस्ट्रिक्ट में। इदुक्की वो ही था जहाँ पे डैम, जब केरला में जब फ्लड आए थे वहाँ से इदुक्की डैम से निकले थे बहुत सारा पानी। तो ग्रास ओवर बेसिकली कंसिडर किया जाता है एग्रीकल्चर प्रेस पेस्ट, सॉरी, ये सारे एनवायरनमेंट में रहते हैं एक्सेप्ट जो स्नो कवर्ड होते हैं। इनका सर्वाइवल स्टेटस एक्सप्लेन करता है एनवायरनमेंट जहाँ पे वो रह रहे हैं। इंडियन ग्रास ओवर का जो स्पीशीज़ है वो नेगलेक्टेड ग्रुप पे आता है, सिंस किसी के पास भी अर्लियर रेड लिस्ट में नहीं आता थ्रेटन स्पीशीज का। नेक्स्ट जो न्यूज़ की बात करें हम, वो बात करें टाइगर के बारे में। टाइगर स्टेटस रिपोर्ट 2018, तो फोर्थ टाइगर सेंसस हुआ था, और ये स्टेटस ऑफ टाइगर कोर प्रेडिटर्स प्रे एंड देयर हैबिटेट 2018, ये शो करता है टाइगर्स इंडिया में कितने हैं। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव न्यूज़ है कि इंक्रीज देखा गया है, 2,967 कुछ ऐसा है फिगर 2018 का, जो कि 2014 से कंपेयर कराएगा जिसका था 2,226। तो सडनली ग्रोथ है न्यूज़ में, हम जान लेते क्या मेथड यूज़ हुए होंगे। तो रिपोर्ट जो एसेस करता है टाइगर का, वो इन टर्म्स ऑफ पार्शियल ऑक्यूपेंसी और डेंसिटी कितनी है इंडिविजुअल पॉपुलेशन की अराउंड द कंट्री। टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ हुई थी ताकि आप असेसमेंट करो, पहला है एम स्ट्रिप्स। तो एम स्ट्रिप्स क्या करता है, मॉनिटर करता है टाइगर्स की इंटेंसिव प्रोटेक्शन और इकोलॉजिकल स्टेटस GPS के थ्रू, और वो जियो टैग करता है फोटो एविडेंस और सर्वे इंफॉर्मेशन, और ये एक्सरसाइज बहुत एक्यूरेट होती है, तो एम स्ट्रिप बहुत ज़्यादा एक्यूरेट रहती है, इंपॉर्टेंट है। दूसरा मेथड है कैटरेट कैमरा ट्रैप डेटा रिपोजिटरी एंड एनालिसिस टूल, जो कि ऑटोमेटिक सेग्रीगेट करता है कैमरा ट्रैप फोटोग्राफ्स को स्पीशीज़ के। इस रिलीज के टाइम पे जो वाटर और फूड स्कीम्स है प्रपोज हुए थे विद इन द रिजर्व, ताकि वो फ्यूर एनिमल्स को स्टे आउट करे इन रिजर्व्स में, और मिनिमाइज करे ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को, और ये क्रूशल है ताकि वो ट्रैक करे कितने ग्लोबल टाइगर फॉरम में है नंबर्स, जो कि एक इंटरनेशनल कोलैबोरेशन भी है टाइगर बियरिंग कंट्रीज का, और उनका डबल हुआ है काउंट टाइगर वाइल्ड टाइगर्स का वाई 2020। इंडिया ने ऑलरेडी अचीव कर रखा है टारगेट ऑफ डबलिंग द काउंट। की फाइंडिंग की बात करें तो यहाँ पे 2,967 इंडिया ने होस्ट करा है 70% वर्ल्ड टाइगर्स का। टाइगर ऑब्जर्व करे जाते हैं कि वो इंक्रीजिंग मतलब बढ़ रहे हैं एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, जो 2006 से 2018 तक के देखा गया है। नियरली थर्ड ऑफ द इंडियन टाइगर्स टाइगर रिजर्व के बाहर रहते हैं। यहाँ पे मध्य प्रदेश में मैक्सिमम टाइगर देखेंगे, इंपॉर्टेंट डेटा ये पूछा जा सकता है कि टाइगर कहाँ से ज़्यादा है, तो मध्य प्रदेश है, उसके बाद कर्नाटका में और फिर उत्तराखंड में है। तो मध्य प्रदेश में फिगर है 526, फिर दो कम कर दो तो कर्नाटका पे है 524 और उत्तराखंड पे 442 है।
ठीक है, नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो यहाँ पे बहुत सफर्ड हुआ है लॉस इन पॉपुलेशन, और टाइगर स्टेटस छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा में डिक्लाइन ही हुआ है, तो मतलब यहाँ पे कंजर्वेशन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। अच्छा, यहाँ पे IUCN स्टेटस आप देखो, तो IUCN स्टेटस आपको याद होना चाहिए, जो हमने ऊपर ही पढ़ा है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, 1964 में आया था ये, इसने इसको इंडेंजर्ड का दिया था स्टेटस, ठीक है। तो इंडेंजर्ड आप देखो उस कैटेगरी थ्रेटन की कैटेगरी में आ जाता है, तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। और रॉयल टाइगर जो है, बंगाल टाइगर, आपको पता ही है बंगाल में ही पाए जाते हैं मोस्टली। यहाँ पे लार्जेस्ट कंटिन्यूस टाइगर पॉपुलेशन जो है वर्ल्ड की बात करें, यहाँ पे वर्ल्ड की स्पेसिफिकली, तो 724 टाइगर जो देखे गए वो वेस्टर्न घाट में देखे गए। अच्छा, इस ब्लॉक में देखे गए, बहुत बड़ा नाम है, नागरहोल, बंदीपुर, वैनंद, मुदुमलाई, सत्यम मंगलम, BRT ब्लॉक। सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन जो टाइगर की है वो 604 टाइगर्स है, जो उत्तराखंड के और वेस्टर्न यूपी में पाई जाती है। अच्छा, ये कौन सा ब्लॉक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, तो ये है राजाराई, जिम कॉर्बेट, रामनगर, पीलीभूत, डुडवा ब्लॉक। तो ये कंटिन्यूस टाइगर की पॉपुलेशन देखी गई है, ठीक है। हमने इससे पहले जो मध्य प्रदेश का था वही रीजन का था, यहाँ पे कंटिन्यूस पॉपुलेशन की बात करिए तो कन्फ्यूज़ मत होना आप लोग। अगर बात करें कॉर्बेट, जो जिम कॉर्बेट है, उसमें उत्तराखंड में हाईएस्ट टाइगर डेंसिटी है इन द वर्ल्ड, डेंसिटी, ठीक है, डेंसिटी में फोकस कर रहा हूँ। अगर बात करें नियरली 17 ऑफ द 50 रिजर्व्स की, तो अप्रोच कर रहे हैं पीक ऑफ द कैपेसिटी और सस्टेन कर रहे हैं पॉपुलेशन को। फैक्टर्स जो कोरिलेट करते हैं, पॉसिबिलिटी डिटरमाइन करती है टाइगर की डेंसिटी, टाइगर की डेंसिटी इंक्रीज होती है अगर वहाँ पे इंक्रीज हो प्राइमरी प्रे पे, जैसे चित्ताल, सांभर और गौर। डेंसिटी इंक्रीज होगी अगर इंक्रीज होगा टाइगर का हैबिटेट और क्वालिटी, और डेंसिटी डिक्लाइन होगी अगर वहाँ पे ह्यूमन की इंटरवेंशन ज़्यादा होती है और प्रोटेक्शन कम होता है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ है, तो ये इम्पोर्टेंट है। जो नंबर से टाइगर का इंक्रीज हुआ है ये हमने देखा है, बट जो सेम है वो ट्रू नहीं है को प्रेडेटर्स के लिए। को प्रेडेटर्स मतलब जो स्ट्राइप हाइना हो गया, या इंडियन वाइल्ड डॉग ढोल हो गया, जैकल्स हो गया, या वुल्फ हो गए, उनका भी नहीं है ऐसा, उनका डिक्लाइन पे ही है अभी भी। हाईएस्ट प्रे डेंसिटीज क्या है, कॉर्बेट, राजा राजा जी, पांच, बंदीपुर, जो टाइगर रिजर्व है नॉर्थ ईस्ट के, बंदीपुर मतलब बंदीपुर अलग है, और टाइगर रिजर्व जो नॉर्थ ईस्ट के हैं वो प्रे डिप्लीशन पे आ गए, क्योंकि वहाँ पे प्रैक्टिस होती है बश मीट कंजम्पशन, ठीक है। तो इसी वजह से ये हो गया। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट है इसको देखना, जो है इंडियन टाइगर या रॉयल बंगाल टाइगर, पैंथ्रिया टाइग्रेस, टाइगर स्पीशीज जो नेटिव है इंडिया की, उसकी IUCN स्टेटस है इंडेंजर्ड। लार्जेस्ट पॉपुलेशन जो बंगाल टाइगर्स की है वो इंडिया में, बट कुछ स्मॉलर ग्रुप्स है बांग्लादेश, नेपाल, भूटान में, जो कि प्रेजेंट है चाइना और बर्मा में। इंडिया की बात करें तो ये 70% देता है ग्लोबल टाइगर पॉपुलेशन को। टाइगर जो है बहुत फ्लैगशिप है और अम्ब्रेला स्पीशीज़ में आते हैं। यहाँ पे फ्लैगशिप स्पीशीज़ जो है वो इम्पोर्टेंट होती है कंजर्वेशन की, और जो अम्ब्रेला स्पीशीज़ हैं वहाँ पर टाइगर कंजर्वेशन जो है, कंजर्वेशन और अदर स्पीशीज़ भी करा जाता है। टाइगर इनहैबिटेट करता है 13 कंट्रीज़ में, बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, लाओ, PDR, मलेशिया, म्यांमार, नेपाल, रशिया, थाईलैंड और वियतनाम। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा मैप है, यहाँ पे साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया का मिला के आप देख सकते हो। वाइल्ड टाइगर्स क्या है, यहाँ पे आप देखो कि जो एशिया में 13 टाइगर कंट्रीज़ है, जिसमें 3,200 टाइगर है, वाइल्ड टाइगर एस्टिमेट होते हैं। 2010 की बात करें तो कंट्रीज़ ने प्ली करा था कि टाइगर की पॉपुलेशन डबल करेंगे, जिसमें से आप डबल कब तक करेंगे, 2022 तक, जो कि 2022 है एक चाइनीज ईयर ऑफ टाइगर। कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ टाइगर की बात करें तो IUCN रेड लिस्ट जो हमने पढ़ी है वो एंडेंजर्ड बात है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन की बात करें तो शेड्यूल वन में आता है। वाइल्ड लाइफ में बहुत ज़्यादा एक्ट्स आते हैं, शेड्यूल वन, शेड्यूल टू, शेड्यूल थ्री, फोर, फाइव, सिक्स। इंपॉर्टेंट है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, क्योंकि प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था 2020 का, इसलिए इंपॉर्टेंट है। साइट्स अपेंडिक्स वन में आता है।
इसके बारे में आगे जाके बात करेंगे। बहुत लोगों ने वैसे जो पढ़ा होगा जीएस पेपर 3 में उनको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। बस यहाँ पे ब्रशअप होता है करंट अफेयर्स में, आपको बस डेटा ऑब्जर्व करना पड़ता है ज़्यादा, क्योंकि यूपीएससी कहीं से हो सकता है। कंजर्वेशन अश्योर्ड की बात करें तो टाइगर स्टैंडर्ड्स और CATS जो है इंडिया ने डिसाइड करा है कि वो एक्सटेंड करें CATS अक्रॉस टाइगर रिजर्व, जो कि स्ट्रेंथन करते हैं, इम्प्रूव करते हैं मैनेजमेंट इंटरवेंशन। ये ब्रिंग आउट करते हैं इंडिया की टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड साइट्स 94 जो है, इसमें टाइगर रिजर्व भी आते हैं। CATS कंजर्वेशन टूल है जो बेस्ट प्रैक्टिस और स्टैंडर्ड्स है, मैनेज करता है टाइगर स्पीशीज़ को, इंकरेज करता है असेसमेंट बेंचमार्क प्रोसेस का। टाइगर जो है फर्स्ट स्पीशीज है सेलेक्ट हुए हैं इस इनिशिएटिव के लिए। ये पार्टनरशिप है टाइगर रेंज गवर्नमेंट और इंटर गवर्नमेंटल एजेंसी इंस्टीट्यूशन NGOs कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये बड़े वेल अडाप्टेड रहते हैं जो बियॉन्ड जाते हैं टाइगर्स के, जिसमें आते हैं जैगवार्स, लायंस, फ्रेश वाटर डॉल्फिन्स। वर्ल्ड वाइड फंड जो है नेचर का वो हेल्प कर रहा है टाइगर रेंज का कंट्रीज़ का, ताकि वो इम्प्लीमेंट करें CATS। TX2 टाइगर कंजर्वेशन अवार्ड बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये TX2, क्योंकि ये आई थिंक UPPCS में पूछा गया था। TX2 एक ग्लोबल अवार्ड है जो सेटअप हुआ था 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग, मतलब ये आपका आई थिंक जर्मनी के जर्मनी में टाइगर समिट बाय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो वर्क कर रहे हैं टाइगर कंजर्वेशन, लाइक WWF, UNDP, IUCN, ग्लोबल टाइगर फंड, CATS और लायन शेयर। तो यहाँ पे ग्लोबल अवार्ड है, ये इंपॉर्टेंट है और समिट में हुआ था, और यहाँ पे बड़े सारे कंजर्वेशन है जो उसके काम करते हैं। एंड TX2 का स्टैंड है टाइगर्स टाइम्स 2, ये सिग्नल देता है, गोल सेटअप करता है टाइगर्स का जो रेंज है 13 कंट्रीज़ में, ताकि वो मतलब डबल करे पॉपुलेशन को वाइल्ड टाइगर्स की बाय 2022। ठीक है, 2022 में दो चीज़ सेम आपकी आ गई है, एक तो ये TX2 तो कर ही रहा है, और एक यहाँ पे आपका जो ये है आपका रॉयल टाइगर का हमने जो पढ़ा था ब्लॉक में, इसमें अभी कंट्रीज़ ने प्ली करा था टाइगर की डबल करने के लिए। तो ये दोनों सेम है एक तरह से, ऑल दो दोनों अलग चीज़ है, पर जो ईयर है वो सेम चूज़ करा है 2022। WTCA की दो कैटेगरी है, पहला टाइगर कंजर्वेशन एक्सेलेंस अवार्ड जो कि ट्रांस बाउंड्री मानस कंजर्वेशन एरिया में आता है, ट्राम MCA कंप्राइज करता है मानस नेशनल पार्क असम में है, और एक है रॉयल मानस नेशनल पार्क जो भूटान में है, उनको अवार्ड मिला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है इस साल कि किसको मिला है टाइगर कंजर्वेशन एक्सीलेंस अवार्ड। तो यहाँ पे अवार्ड रिकग्नाइज करता है जो कि बहुत सारी चीज़ों का जो अचीवमेंट है वो दो या उससे ज़्यादा होती है, पांच थीम पे देखा जाता है। पहला है टाइगर पॉपुलेशन और प्रे पॉपुलेशन मॉनिटर रिसर्च, सेकेंड है इफेक्टिव साइट मैनेजमेंट, थर्ड है लॉ इन्फोर्समेंट प्रोटेक्शन, फोर्थ है कम्युनिटी बेस्ड कंजर्वेशन, और फिफ्थ है हैबिटेट प्रे मैनेजमेंट। TX2 अवार्ड क्या है, ये अवार्ड दिया जाता है एफर्ट्स के लिए जो टाइगर की पॉपुलेशन को इंक्रीज करना है, और यहाँ पे फाइनेंशियल ग्रांट भी असेस कराया जाता है ऑन गोइंग कंजर्वेशन। पीलीभीत टाइगर रिजर्व जो उत्तर प्रदेश में, उनको अवार्ड मिला था जो उनके डबल कर दिया था पॉपुलेशन। PTR एक इंपॉर्टेंट है कनेक्टिविटी जो अक्रॉस द वास्ट चराई आर्क लैंडस्केप आता है इंडिया और नेपाल का। सदर्न बाउंड्री जो है मार्क कराया जाता है शारदा रिवर और काकरा रिवर। काजी 106 की बात करें तो यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट है, पहले इससे रिवीजन के लिए आप TX2 का याद रखना कि ये अवार्ड जो मिला गया था ये पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, ये उत्तर प्रदेश में, तो UPPCS में भी पूछा जा सकता है कि भाई TX2 अवार्ड किसको मिला था। ठीक है, तो ये इसी की बात कर रहे हैं। काजी 106F ये इंडिया का ओनली गोल्डन टाइगर है जो कि असम में पाया जाता है, काजीरंगा नेशनल पार्क। गोल्डन टाइगर क्या है, ये इसको बोला जाता है स्ट्रॉबेरी टाइगर या टैबी टाइगर। इस टाइगर में कलर वेरिएशन होता है जो कि रिसेसिव जीन की वजह से होता है। येलो स्किन जो टाइगर की होती है और कंट्रोल होती है किस सेट ऑफ अगोती जीन्स की वजह से, वाइल जो ब्लैक स्ट्रिप है वो कंट्रोल होती है टैबी जीन्स के थ्रू, और जो एलर्जीज है जैसे भी इसको प्रोनाउंस करते हैं, सप्रेशन होता है जीन्स का और उसकी वजह से कलर वेरिएशन होता है। गोल्डन टाइगर्स जो हैं वो ब्लॉन्ड या पेल गोल्डन कलर के होते हैं, रेडिश स्ट्रिप्स होती है
इन प्लेसेस ऑफ ब्लैक जो नॉर्मल टाइगर्स में होती है, ठीक है। कंसर्न्स क्या है, क्योंकि यहाँ पे रेयर स्किन टोन है जिसकी वजह से एक्सेसिव इनब्रीडिंग हो रही है। इनब्रीड का मतलब क्या होता है इसको समझ लेते हैं। इनब्रीड डिफाइंड है कि प्रॉबिलिटी दो एलिजिस की जो एक इंडिविजुअल बींग में आइडेंटिकल हो सकते हैं बाई डिसेंट, डिसेंट मतलब जो उनके बच्चे पैदा होते हैं, और ये नॉर्मली रिजल्ट करते हैं मेटिंग जो इंडिविजुअल्स की होती है, ठीक है। तो कहने का मतलब है एक तो इनब्रीड का वैसे तो मतलब होता है कि मान लो अपनी फैमिली में ही मेट करना, वैसे तो शायद इसी वजह से हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है, वो कोई श्योरिटी नहीं है। इससे होता है कि चांसेस जो इंक्रीज हो जाते हैं ऑफस्ट्रीम के वो इफेक्ट हो सकते हैं, और यहाँ पे रिसेसिव ट्रेट्स दिखते हैं और डेरेटोरिस दिखा सकते हैं। टाइगर रिजॉर्ट जो है इनब्रीड जब वहाँ पे पॉपुलेशन की होती है तो ऑलमोस्ट आइलैंडेड हो जाते हैं विदाउट कनेक्टिविटी जो अदर लैंडस्केप होते हैं, जिसकी वजह से उनका हैबिटेट लॉस होता है और डिस्ट्रक्शन होता है कॉरिडोर्स का। तो यहाँ पे स्टेटस ऑफ लेपर्ड्स की बात करें 2018 का ये डेटा है, दोनों के 2018 का एक डेटा है, पर हमने पहले टाइगर की बात करी थी, लेपर्ड की बात करें तो स्टेटस ऑफ लेपर्ड जो है इंडिया में रिपोर्ट जो रिसेंटली पब्लिश करी गई थी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा, तो फाइंडिंग में क्या है, स्पीशीज जो लेपर्ड्स की है वो अडैप्टेबल है और ये वेरी एक्सटेंड है क्लोज टू ह्यूमन हैबिटेशन। तो यहाँ पे IUCN स्टेटस लेपर्ड का वल्नरेबल है। पॉपुलेशन जो है इंडिया में लेपर्ड्स की वो है 12,852 लेपर्ड्स, ये 2018 का डेटा है, याद रखना ये भी चीज़। तो इससे पता चलता है कि 60% इंक्रीज आया है लेपर्ड की पॉपुलेशन में, और ये कंपेयर 2014 से कर रहे हैं, तो आप उसको भी माइंड में रखना। स्टेट वाइज की बात करें तो अगेन मध्य प्रदेश हाईएस्ट है, टाइगर्स के लिए भी हाईएस्ट था, उसके बाद कर्नाटका और महाराष्ट्र, कर्नाटका उधर भी सेकंड पोजीशन पर और यहाँ पे भी है, तो ये कॉमन चीज़ है तो आप याद रख सकते हो। और ये रीजन वाइज सेंट्रल इंडिया और ईस्टर्न घाट में ज़्यादा है। लेपर्ड की बात करें तो लेपर्ड का यहाँ पे साइंटिफिक नेम भी दे रखा है, इंडियन सबस्पीशीज पैंथेरिया पारदूस फुस्का, जो भी इसको प्रोनाउंस करते हैं आई डोंट नो। और ये बेसिकली इनका फॉरेस्ट हैबिटेट है कंट्री में, और ये एब्सेंट रहते हैं एरिड डेजर्ट्स में, मतलब ये आपको थार डेजर्ट में तो मिलेंगे नहीं, पर ये मिलेंगे आपको हिमालय के पास आसपास हरियाली में मिलेंगे। इनका हिमालय में अगर देखो तो स्नो लेपर्ड मिलते हैं, मतलब एक होते हैं आपके जो लेपर्ड होते हैं वो आपकी ईस्टर्न घाट में मिल रहे हैं जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हरियाली है, सेंट्रल इंडिया में मिल रहे हैं, बट हिमालय में आपको स्नो कवर्ड मिलेंगे, बिल्कुल स्नो लेपर्ड, बिल्कुल आपको आपने इमेज बहुत देखी होगी। IUCN स्टेटस वल्नरेबल बता रखा है, और ये अपेंडिक्स वन साइट्स के आते हैं, विच इज़ कंजर्वेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड एंड फौना एंड फौना, और ये आते हैं शेड्यूल वन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। तो टाइगर और ये दोनों सेम का है कैटेगरी में, वहाँ पे भी साइट्स की अपेंडिक्स वन में ही आ रहे हैं। तो एक कॉमन चीज़ है जो आप याद कर सकते हो, लेपर्ड और आपका टाइगर एक ही उसके हैं। राजस्थान ने लॉन्च करा था प्रोजेक्ट लेपर्ड, जो कि मिटिगेट करता है ह्यूमन लेपर्ड कॉन्फ्लिक्ट्स और कंजर्व करता है लेपर्ड पॉपुलेशन का थ्रेट, इनका पोचिंग, हैबिटेट लॉस, डिप्लीशन, नेचुरल प्रे और ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट है। लेपर्ड पोचिंग इन इंडिया बहुत बड़ा कंसर्न है, और रिसेंट स्टडी हुई थी ट्रैफिक इंडिया के थ्रू, और यहाँ पे उन्होंने बताया कि 747 लेपर्ड्स की डेथ हुई है 2015 से 2019 में, और ये 596 मतलब मोस्टली वहाँ पे इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड एंड पोचिंग हो रही है। तो हाईएस्ट पोचिंग कहाँ हो रही है वो रिपोर्ट करी गई है उत्तराखंड और महाराष्ट्र से, ठीक है। ट्रैफिक क्या है इसके बारे में जान लेते हैं, एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो ग्लोबली वर्क करती है ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, और उसका जो कॉन्टेक्स्ट है बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशन पर रहता है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है। ट्रैफिक के बारे में ये भी जानना इंपॉर्टेंट है कि 1976 में आया था, और यहाँ पे ये IUCN और वर्ल्ड वाइल्ड फंड जो नेचर का है वो भी यहाँ पे आया था, इनके द्वारा इस्टेब्लिश हुआ था। तो IUCN स्टेटस हमने देखा था 1964 में आया था, वो भी इसमें शामिल है एक तरह से, उन्होंने इस्टेब्लिश करा था ट्रैफिक को। नेक्स्ट में जो बढ़ रहे हैं वो है स्नो लेपर्ड, लेपर्ड के ही अब हम कंटिन्यू कर रहे हैं।
स्नो लेपर्ड पे आ रहे हैं, यहाँ पे स्नो लेपर्ड का भी सेम स्टेटस है जो लेपर्ड का है, वनरेबल, ठीक है, दोनों के वनरेबल है। टाइगर के आई थिंक ज़्यादा कैटेगरी में एंडेंजर्ड में है टाइगर का। अब न्यूज़ बहुत ही बढ़िया है, इंडिया का फर्स्ट स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर इस्टेब्लिश हो रहा है उत्तराखंड में। अब ये कंजर्वेशन सेंटर है किसके द्वारा बिल्ट हो रहा है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट किसके साथ, UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, उत्तरकाशी फॉरेस्ट में हो रहा है, जो कि एक पार्ट रहेगा 6 ईयर लॉन्ग प्रोजेक्ट का, जिसका नाम है सिक्योर हिमालय। तो ये प्रोजेक्ट देखेगा कंजर्वेशन ऑफ स्नो लेपर्ड्स पे और बड़े सारे इंडेंजर्ड स्पीशीज और हैबिटेट्स पे जो कि हिमालय में पाए जाते हैं। प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था 2017 में, ठीक है, और ये फंड हुआ था ग्लोबल एनवायरमेंट फैकल्टी, जो कि UNDP का पार्ट है, जो हमने ऊपर मतलब इससे पहले हमने न्यूज़ कवर करा था उसमें भी हमने UNDP का जिक्र करा था और ग्लोबल एनवायरमेंट फैकल्टी का भी जिक्र करा था। द स्नो लेपर्ड है कंजर्वेशन एम करता है, प्रोटेक्ट करता है एनिमल को लोकल कम्युनिटी के साथ, और ये एम्प्लॉयमेंट देता है लोकल लोगों को, और यहाँ पे टूरिज्म भी बढ़ेगा इवेंचुअली, और रिस्टोर करता है कंजर्व करता है हिमालय का इकोसिस्टम। स्नो लेपर्ड की बात करें तो शेड्यूल वन में आते हैं, एनिमल अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, सेम है चीज़ है, IUCN उनका वनरेबल है, इंडेंजर सिर्फ टाइगर का है और लेपर्ड का, स्नो लेपर्ड और लेपर्ड का सेम ही है। लिस्टेड है अपेंडिक्स वन साइट्स का, और उनका जो थ्रेट है मेजरली पोचिंग है, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन है। अगर बात करूँ इंडिया की, इंडिया में जो हैबिटेट में रह रहे हैं वो ये ऑल्टीट्यूड पे रह रहे हैं 3,000 to 4,500, तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, तो सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश नॉर्थ ईस्ट हो गया, बाकी आपका पता ही है नॉर्थ में है सारा। ये एरिया कंट्रीब्यूट करता है 5% ग्लोबल स्नो लेपर्ड रेंज का। उत्तराखंड में स्नो लेपर्ड पाए जाते हैं नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, सेकेंड है गंगोत्री नेशनल पार्क और अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। ये उत्तराखंड की बात कर रहे हैं। और कौन से मेजर्स है जो गवर्नमेंट ने लिए हैं, पहला है प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड, तो ये सेफगार्ड करता है, कंजर्व करता है इंडिया का यूनिक हेरिटेज हाई एल्टीट्यूड वाइल्ड लाइफ एनिमल्स के लिए भी और उनका हैबिटेट्स के लिए बाय प्रोमोटिंग कंजर्वेशन पॉलिसीज और पार्टिसिपेटरी पॉलिसीज। जी स्लीप क्या है, इसको अगर एक्सपैंड करें तो ग्लोबल स्नो लेपर्ड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन प्रोग्राम, तो ये अनप्रेसिडेंटेड अलायंस है ग्लोबल सॉरी स्नो लेपर्ड रेंज कंट्रीज की, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन, साइंटिस्ट और लोकल कम्युनिटीज की, वो एक ही गोल पे यूनाइटेड है कि हमें बचाने हैं स्नो लेपर्ड को। और यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स की बात कर लेते हैं, अफगानिस्तान, भूटान, चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, क्रिक रिपब्लिक, मंगोलिया, नेपाल, पाकिस्तान, रशिया फेडरेशन, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। पॉपुलेशन असेसमेंट की बात करो, इंडिया गवर्नमेंट ने लॉन्च करा है फर्स्ट नेशनल स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट, जो एस्टिमेट करता है पॉपुलेशन स्नो लेपर्ड की इंडियन रेंजेस में क्या है। लैंडस्केप की बात करें तो यहाँ पे 3 लार्ज लैंडस्केप स्नो कवर्ड लेपर्ड के लिए है, जहाँ पे है आपका पहला हेमिस स्पीति अक्रॉस लद्दाख, सेकेंड है हिमाचल प्रदेश जहाँ नंदा देवी है, और थर्ड है उत्तराखंड में आपका गंगोत्री, फोर्थ है कंचनजंगा और लास्ट है आपका अरुणाचल प्रदेश जो तवांग में, और कंचनजंगा जो सिक्किम में। स्नो लेपर्ड रेंज कंट्रीज मैप पे भी देख लेते हैं, मजा आएगा। इंडिया तो आप देख ही रहे हो मैप पे, इंडिया से हम जाए नेपाल, नेपाल बिल्कुल बॉर्डर पे है, और यहाँ पे आप देखो तो भूटान भी है पास में, फिर चाइना ऊपर आ जाता है, उसके ऊपर आ जाता है आपका रशिया, ठीक है, मंगोलिया, और मंगोलिया की बात करो तो रशिया और चाइना के बीच में सैंडविच जो है वो मंगोलिया। अगर मैं यहाँ से वेस्ट की तरफ जाऊँ तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान तो पड़ ही रहा है, ऊपर की तरफ जाऊँ कजाकिस्तान, और लेफ्ट की तरफ जाऊँ तो तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, और यहाँ पे कर्क रिपब्लिक जो है आपका है, तो आप मैप पे देख सकते हो आराम से पॉज करके जब भी मन कर रहा हो आपको। मैप इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि आपको क्लैरिटी हो जाती है। नेक्स्ट जो है एशियाटिक लाइन्स के बारे में बात करते हैं, बहुत ये भी सही है, एशियाटिक लाइन बहुत न्यूज़ में है क्योंकि गुजरात गवर्नमेंट फेवर नहीं कर रही ट्रांसलोकेटिंग लाइन्स को मध्य प्रदेश में, ये न्यूज़ है।
पहले समझ लेते हैं लायंस का, एशियाटिक लायंस का क्या IUCN स्टेटस है, इंडेंजर्ड है। तो मतलब टाइगर और एशियाटिक लायन ET की कैटेगरी में है, बाकी लेपर्ड और स्नो लेपर्ड आपकी वनरेबल कैटेगरी में है। तो गिर नेशनल पार्क जो कि आपका गुजरात में है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एक ओनली प्लेस इन द वर्ल्ड जहाँ पे एशियाटिक लायन पाए जाते हैं। तो ये एपिडेमिक हो गया। 2013 में सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग फेवर करती है कि एक सेकेंड होम क्रिएट करना चाहिए बाय ट्रांसलोकेटिंग कुछ लोग, फ्यू ऑफ एशियाटिक लायंस मध्य प्रदेश में कन्नौ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। हाई रेट ऑफ इनब्रीडिंग और रिजल्ट रिड्यूस जेनेटिक डाइवर्सिटी की वजह से गिर लायंस हाईली सबसेप्टिकल हो गए और एपिडेमिक हो गए, मतलब एक ही जगह पे पाए जा रहे हैं। गिर फॉरेस्ट का यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये भी हो जाता है कि वो मतलब अनेबल टू सस्टेन हो गया और उसकी वजह से इनका वराइज हो रहा है, इन्फेक्शन, फूड पॉइजनिंग ऐसी चीज़ें दिख ही रही हैं और इनफाइटिंग हो रही है लायंस के बीच में। हाउएवर ये अभी तक पोस्टपोन नहीं हो गया क्योंकि कोई भी सिंगल ग्रीन लायन ट्रांसपोर्ट नहीं हुआ है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट, जो गुजरात गवर्नमेंट की बात करें तो उन्होंने स्टेट कहा है कि लायंस, पहला रीज़न दिया है कि प्राइड ऑफ द स्टेट एंड लाइक फैमिली मेम्बर्स जो कि लोकल कम्युनिटीज़ के लिए, और बारदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो प्रिपेयर है इनके लिए सेकेंड होम जो पोरबंदर में है। ठीक है, सेकेंड रीज़न है कि ये सेफ है गुजरात में और उनकी पॉपुलेशन बढ़ रही है जो कि इम्पोर्टेंट चीज़ है एक तरह से। यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग भी दी थी 2013 की, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, तो वो भी एक चीज़ है जो आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी जब आप मेंस का लिख रहे हो। एशियाटिक लायंस के बारे में जान लेते हैं, इनका साइंटिफिक नेम है पैंथेरा लियाओ पसाई, कुछ ऐसे है प्रोनाउंसिएशन, आप चेकआउट कर सकते हो। और यहाँ पे IUCN स्टेटस है इंडेंजर्ड जो कि हमने देख रखी है। एशियाटिक लायंस जो है स्लाइटली स्मॉलर होते हैं अफ्रीकन लायंस से जो कि वनरेबल, उनकी भी कैटेगरी वनरेबल है अफ्रीकन लायंस की, तो कंपैरिजन हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, वनरेबल अफ्रीकन लायंस की है और एशियाटिक लायंस की क्या है आपका इंडेंजर्ड। तो ये लिस्टेड है शेड्यूल 1 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट और एपिडेमिक्स 1 साइट्स के। 2020 के सेंसस हुआ था उसमें एस्टिमेट है कि 674 एशियाटिक लायंस है, जिसमें ये बताया गया कि इंक्रीज आया है 29% लास्ट 5 ईयर्स में गिर फॉरेस्ट रीजन में। और गुजरात और अदर रेवेन्यू एरियाज जैसे कोस्टल सौराष्ट्र, इनमें ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो 36% से राइज हो गया है। उसमें से कुछ यूजुअल थ्रेट फेस कर रहे हैं जैसे पोचिंग और हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन। अफ्रीकन चीता, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है क्योंकि थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, अफ्रीकन चीता जो है यहाँ पे इंडिया की बात करें तो चीता अवेलेबल नहीं है, एक्सटेंड हो चुके हैं क्योंकि बहुत पहले जब महाराजा होते थे इंडिपेंडेंस से पहले उनने चीता को मार दिया। प्रेजेंट की बात कर लेते हैं न्यूज़ में क्या है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया एक्सपर्ट इवेलुएट करते हैं साइट्स जो मध्य प्रदेश में है अफ्रीकन चीता री इंट्रोडक्शन, मतलब भैया हम अफ्रीकन चीता को बुला रहे हैं यहाँ पे, मंगवा रहे हैं कि वो लोग इंडिया में मध्य प्रदेश में रहेंगे, तो ये कुछ एक्सपर्ट अपॉइंट करे गए हैं ताकि वो देखे कि यार ये सेफ है, अफ्रीकन चीता यहाँ सर्वाइव कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो न्यूज़ में क्या एक्सपर्ट लुक कर रहे हैं बेस्ट हैबिटेट जो उनके लिए सही रहेगा, प्रे बेस सेफ्टी टोपोग्राफी। चीता जो डिक्लेयर हुए थे एक्सटेंड हुए थे 1952 में क्योंकि हंटिंग वटनिंग की वजह से महाराजा लोग बहुत मारते थे। शॉर्ट लिस्ट करते हैं साइट्स जैसे कुनाओ पलपुर सेंचुरी, नरोद्री सेंचुरी, गांधी सागर सेंचुरी और माधव नेशनल पार्क, बड़े सारे जहाँ पे मध्य प्रदेश में। 2010 में सेंट्रल गवर्नमेंट की एक्सपर्ट पैनल रिकमेंड करी है कुनापुलम वेदवार नेशनल पार्क गुजरात में और तलचपा सेंचुरी जो राजस्थान में, ताकि वो री इंट्रोड्यूस करें चीता को। कुनो पलपुर जो है प्रेफर्ड लोकेशन है क्योंकि वो प्लेस प्रिपेयर्ड हुई थी हाउस एशियाटिक लायन के लिए, मतलब जो 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि यार मध्य प्रदेश में एशियाटिक लायंस के लिए, उसी को अफ्रीकन चीता के लिए मतलब करी गई है। पर यहाँ पे वही इसमें भी बोला है 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने क्वाश प्लान बनाया था जो इंट्रोड्यूस करता है अफ्रीकन चीता को कुनापुलम
साइटिंग रीजन क्या है कि पॉसिबल कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है पैरेलल प्रोजेक्ट का जो इंट्रोड्यूस कर रहे थे आप लाइन का सेम साइट पे, लैक ऑफ प्रे और एनिमल कॉन्फ्लिक्ट जो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट होता ही है। यहाँ पे अगर बात करें तो आईयूसीएन स्टेटस अफ्रीकन चीता की वनरेबल है, वनरेबल। अब यहाँ पे वनरेबल चीता की भी है, अफ्रीकन चीता, लेपर्ड की है, स्नो लेपर्ड की है। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन की बात कर रहे थे तो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था कि रीअलोकेशन जो अफ्रीकन चीता की होगी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की डिस्कशन पे होगी, वो प्रॉपर सर्वे करेंगे और एक्शन प्लान इंप्लीमेंट करेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रिवाइव कराया प्लान 2017 में और उसके बाद जनवरी 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने 3 मेंबर कमेटी बनाई थी जो गाइड करती है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ताकि उनकी डिसीजन को देखे और प्रॉपर सर्वे हो। चीता के बारे में बात कर लेते हैं हम। चीता का जो है अफ्रीकन चीता है जो वनरेबल है, एशियाटिक चीता है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, ठीक है, वनरेबल और क्रिटिकली इंडेंजर्ड। एशियाटिक चीता आपका आई थिंक ईरान में है या इराक में ऐसी कोई है, वेस्ट एशिया में, और एशियाटिक चीता बहुत स्ट्रॉन्ग है, समझ रहे हो, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, फास्टर है देन अफ्रीकन चीता, ठीक है। ये वैसे उल्टा है, अगर बात करूँ लाइन की, लाइन में अफ्रीकन लाइन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू एशियाटिक लाइन। तो ये कंपैरिजन ड्रॉ करोगे तो आपके दिमाग में क्लैरिटी रहती है। वल्चर एक्शन प्लान 2020-2025 इंपॉर्टेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज ने लॉन्च करा था वल्चर एक्शन प्लान 2020-2025। न्यूज़ में क्या है कि MOEFCC ने कैरी आउट करा है कंजर्वेशन प्रोजेक्ट वल्चर्स के लिए 2006 से, नया प्लान एक्सटेंड करता है 2025 तक ले, और ये हॉल्ट नहीं कर रहा है डिक्लाइन को बट इंक्रीज कर रहा है वल्चर नंबर्स का। थ्रेट क्या है वल्चर्स को, पहला है कोलिजन, दूसरा है इलेक्ट्रोक्यूशन और अनइंटेंशनल पॉइजनिंग। ये देखा गया 1990 से 2007 तक कि नंबर ऑफ 3 क्रिटिकल इंडेंजर स्पीशीज में पहला आता है ओरिएंटल वाइट बैक, सेकेंड है लॉन्ग बिल्ड और थर्ड है शेल्डर बिल्ड वल्चर्स, जो डिक्लाइन हो गए 99%, बहुत ज़्यादा ही कम हो गए हैं, इसलिए ये प्लान बना था। तो थोड़ा हम इसको देख लेते हैं प्लान क्या है, बहुत अच्छी चार्ट से दिखा रखा है। तो वल्चर एक्शन प्लान जो है उसमें हम देखेंगे ऊपर से डेटाबेस जो है पूरा, तो थ्रेट करता है वल्चर कंजर्वेशन का, इस्टेब्लिश करता है 4 रेस्क्यू सेंटर्स, पिंजौर, भोपाल, गुवाहाटी, हैदराबाद और एक वल्चर सेफ जोन में। इसकी बात करें तो यहाँ पे रेगुलेट करता है स्केल ऑफ वेटरी नॉन स्टेरॉइडल एंटी फ्लेम इन फेवर ड्रग्स जो लीड करते हैं डेथ ऑफ वल्चर्स, सेकंड है ये सिस्टमेटिकली ऑटोमेटिकली रिमूव करता है ड्रग जो वेटरी यूज़ के लिए होता है, जैसे डाइक्लोफिना एक ड्रग है जो थ्रेट करता है कैटल को। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो कंजर्वेशन ब्रीडिंग की बात करता है प्रोग्राम जो रेड हेडेड वल्चर और इजिप्शियन वल्चर्स की बात करता है। नेक्स्ट पॉइंट है नेशनल वाइड वल्चर सर्वे होगा हर 4 साल में एक बार, एडिशनल वल्चर कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर होंगे यूपी, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, कर्नाटका और तमिलनाडु में, और ये तो हमने स्टार्टिंग में बात ही कर ली है इसकी। यहाँ पे कुछ स्पीशीज के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखो तो यहाँ पे आता है पहला जो है स्पीशीज का नाम वो है ओरिएंटल वाइट बैक वल्चर, जिसका इंडेंजर्ड जो है IUCN स्टेटस, चारों का वैसे क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, तो यहाँ पे ये तो चीज़ कॉमन है, यहाँ तक तो कॉमन है, इसलिए हम मान के चलते हैं यहाँ पे क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। लॉन्ग बिल वल्चर का, स्लेंडर बिल वल्चर जो हमने ऊपर देखा, रेड हेडेड वल्चर का भी, जो इंडेंजर्ड पे आ रहा है सिर्फ वो आपका आ रहा है इजिप्शियन वल्चर का, ठीक है। बाकी आप देखो तो यहाँ पे, बाकी आप देखो तो यहाँ पे हिमालयन वल्चर का है नियर थ्रेटन, बियर वल्चर का नियर थ्रेटन, साइनरस का भी है नियर थ्रेटन, और लीस्ट कंसर्न है यूरेशियन ग्रिफिन वल्चर। तो ये कुछ वल्चर स्पीसीज हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट जो है वो है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड GIB, इसका तो IUCN ही क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, रेड में आ रहा है बिल्कुल, तो ये बहुत ही ज़्यादा। तो यहाँ पे आप देखो रिपोर्ट जो पब्लिश हुई है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पावर और राजस्थान गवर्नमेंट के साथ,
जो उन्हें रिजेक्ट करा है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो प्रपोज कर रहे हैं कि पावर ट्रांसमिशन लाइन होनी चाहिए, जो पास कर रहे हैं जीआईबी हैबिटेट अंडरग्राउंड। पहले क्या था, 2019 में एक ऑर्डर पास हुआ था एनजीटी के द्वारा, जो सजेस्ट करता है कुछ रिकमेंडेशन जो प्रोटेक्ट कर रहा है जीआईबी। इसमें कुछ रिकमेंडेशन क्या क्या है, पहला है आपका मिटिगेट करते हैं पावर लाइंस का ट्रांसमिशन जो पास कर रहे हैं, प्रायोरिटी बस्टर्ड हैबिटेट अंडरग्राउंडिंग केबल्स। सेकेंड है डेवलप करें प्रेडेटर प्रूफ इंक्लोजर जो जाने जाते हैं ब्रीडिंग साइट्स के लिए, और कीप अवे करें नेस्ट प्रेडेटर्स जैसे डॉग्स, पिग्स, फॉक्स और बड़ी सारी स्पीशीज जो प्रोफेशनल ट्रैपर्स के लिए होते हैं। थर्ड है राजस्थान फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो एंगेज करते हैं लोकल कम्युनिटीज़ के साथ, प्रमोट कर रहे हैं बस्टर्ड फैंडी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस और ग्रो कर रहे हैं कुछ क्रॉप जो प्रेफर्ड करे जाते हैं उनके द्वारा। डिसअलाउ करता है नया विंड टर्बाइन और सोलर फार्म्स जो 13,000 स्क्वायर किलोमीटर्स पर, प्रायरिटी जीआईबी हैबिटेट लॉस जो राजस्थान और गुजरात में होता है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की बात करें, आईयूसीएन स्टेटस क्रिटिकली इंडेंजर्ड है और ये लिस्टेड है शेड्यूल वन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, सीएमएस कंजर्वेशन अपेंडिक्स वन साइट्स का। थर्ड है एपिडेमिक है इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ये पाए जाते हैं सेंट्रल इंडिया में, वेस्टर्न इंडिया और ईस्टर्न पाकिस्तान। इंपॉर्टेंट साइट्स क्या है, डेजर्ट नेशनल पार्क सेंचुरी राजस्थान में, नालिया गुजरात में, वरोरा महाराष्ट्र में, फोर्थ है बरेली कर्नाटका। हैबिटेट जो है मोस्टली फाउंड है एरिड और सेमी एरिड ग्रासलैंड में जो कि ओपन कंट्री में है, और में थ्रॉन श्रब है जो कि टॉल ग्रास रहती है और इंटरसेप्ट होते हैं कल्टिवेशन के साथ, ये अवॉइड करते हैं इरीगेशन एरियाज को। एक स्पीशीज है जो रिकवरी प्रोग्राम है अंडर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट की भी है, वो भी इसमें इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें जैसे साइट्स कौन कौन सी है राजस्थान में, नेशनल डियर डेजर्ट नेशनल पार्क गुजरात में, वरोड़ा और बेलारा जो कर्नाटका और में है, वो इम्पोर्टेंट है। रिलेटेड न्यूज़ की बात करें तो पोखराम फायरफ्लाई पर डाइवर्टर क्या है, ये एक इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज इसके साथ साथ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी जो प्रोटेक्ट करता है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को फ्रॉम ओवरहीट पावर लाइंस। सेकंड है फायरफ्लाई बाय बर्ड डाइवर्सर जो है डाइवर्ट्स करता है फ्लैप इंसुलेटेड ऑन पावर लाइंस। हम दो और न्यूज कवर करेंगे 3.2.9 और 3.2.10, उसके बाद लेक्चर को एंड करेंगे, इसके और भी पार्ट आएंगे क्योंकि बहुत ही बड़ा है ये इवेंचुअली। तो इंडिया का फॉरेस्ट डॉल्फिन ऑब्जर्वेटरी की बात करने वाले हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें अगर अभी तक बने हो तो, और अगर चैनल अच्छा होगा तो फिर आप शेयर भी करो लोगों के साथ। तो यहाँ पे डॉल्फिन के बारे में बात करने वाले हैं, इसका इंडेंजर्ड है ठीक है। तो बिहार गवर्नमेंट ने सेटअप करा है इंडिया का पहला ऑब्जर्वेटरी गंगाटिक डॉल्फिन जो भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में है। तो यहाँ पे ऑब्जर्वेटरी जो कंस्ट्रक्ट करा जा रहा है किसके द्वारा करा जा रहा है, विक्रमशिला गंगाटिक डॉल्फिन सेंचुरी VGDS। ऑब्जर्वेटरी बेसिकली प्रमोट करेगा इको टूरिज्म, यहाँ पे कोई एडवर्स इम्पैक्ट नहीं आएगा रिवर की इकोलॉजी पे, क्योंकि ऑब्जर्वेटरी जब बन रहा है तो वो सुल्तानगंज अगुस्वानी घाट ब्रिज पे बनना है जो गंगा के ऊपर है। गंगाटिक डॉल्फिन के बारे में बात करें तो यहाँ पे गंगाटिक जो डॉल्फिन है ये डीप वाटर्स में पाई जाती है, जो कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर्स, कॉन्फ्लुएंस जो भी उसे प्रोनाउंस करते हैं, कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर्स में पाई जाती है, और ये सिर्फ फ्रेश वाटर में पाई जाती है और ये ब्लाइंड रहती है। मतलब क्या होता है, डॉल्फिन जो दूसरी तरह की होती है नॉर्मल जो होती है वो सॉल्ट वाटर में भी पाई जाती है, पर ये सिर्फ फ्रेश वाटर में पाई जाती है, तो इसलिए इसमें हाईलाइट करा है। रिलायबिलिटी इंडिकेटर है हेल्थ और मतलब यहाँ पे रिलायबिलिटी इंडिकेटर इसलिए भी है क्योंकि फ्रेश वाटर रहेगा तो फिर ये जिंदा रहेंगे, कहने का मतलब ये है। नेशनल एक्वाटिक एनिमल है इंडिया की, है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, बहुत बड़ा फैक्ट है, नेशनल एक्वाटिक एनिमल है इंडिया की। ये गंगा ब्रह्मपुत्र मेघना रिवर में पाई जाती है और कर्णपीला संगो रिवर जो नेपाल इंडिया और बांग्लादेश के साथ है। इसको सुसु बोला जाता है क्योंकि ये साउंड ऐसे प्रोड्यूस करती है जब वो ब्रीथ कर रही होती है। कवर करती है असम, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार,
झारखंड, वेस्ट बंगाल, ठीक है। मेजर थ्रेट क्या है? ओवर फिशिंग की वजह से हैबिटेट का दिक्कत हो जाती है, और पॉल्यूशन, इंफ्रास्ट्रक्चर पॉल्यूशन तो मेजर है, क्योंकि भाई सॉल्ट वाटर या मतलब पानी गंदा हो गया तो फिर तो ये जी नहीं पाएंगी, और इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से भी। गंगाटिक डॉल्फिन है अमंग्स 21 स्पीशीज जो आइडेंटिफाइड है अंडर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, जो कि आती है डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट। कंजर्वेशन एक्शन प्लान गंगेटिक डॉल्फिन का 2010 से 2020 में आया था, जो आइडेंटिफाई करता है थ्रेट जो गंगेटिक डॉल्फिन के हैं और इम्पैक्ट जो उनको पड़ता है इरिगेशन कैनाल्स या डिप्लीशन ऑफ प्रे बेस्ड जो होता है डिप्लीशन में बात करता है डॉल्फिन पॉपुलेशन की। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस करा है प्रोजेक्ट डॉल्फिन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि वर्क कर रहा है कैटलिस्ट टू इंक्रीज डॉल्फिन पॉपुलेशन। अदर डॉल्फिन पाए जाते जो इंडिया में इंपॉर्टेंट है वो हम बात करेंगे, पर यहाँ पे गंगेटिक डॉल्फिन का IUCN स्टेटस एंडेंजर्ड है। और अब बड़े सारे जो डॉल्फिन है उसके बारे में बात करते हैं। पहला है इंडस रिवर डॉल्फिन, इसका IUCN स्टेटस एंडेंजर्ड है, ये पाई जाती है लोअर पार्ट्स इंडस रिवर पाकिस्तान और रिवर बीस जो कि ट्रिब्यूटरी है आपकी इंडस रिवर पंजाब की। ये अडाप्ट करते हैं नॉर्मल जो मडी रिवर है और बेसिकली पार्शली ब्लाइंड होते हैं, और ये डॉल्फिन है स्टेट एक्वाटिक एनिमल पंजाब की, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है इरावटी डॉल्फिन, साइंटिफिक नाम है स्नब विफ फिन, कुछ ऐसी डॉल्फिन है। IUCN स्टेटस इंडेंजर्ड है, कॉमन है, तीनों का इंडेंजर्ड ही है जो हम आगे वाले भी बात करने वाले हैं हम बाकी। और यहाँ पे ये इरावटी जो रिवर है जो आपका ये इंडिया का गंगा चिलिल का लेक और साउथ ईस्ट एशिया मेकोंग रिवर, ये इसके बिसाइड जो है इरावटी रेक जो है यहाँ पे भी पाई जाती है। ये प्रेफर करती है एश्यूरीज और ब्रैकिश वाटर जो कोस्ट के साथ रहते हैं। तो आप देखो तो चिलका लेक भी आपका कोस्ट पे लाया करता है, साउथ ईस्ट एशिया मेकोंग रिवर, तो ये आपका तो थाईलैंड से निकलता हुआ जाता है रिवर। हमने इंटरनेशनल रिलेशन में बात करा था मेकोंग गंगा कॉरपोरेशन वाला, तो वहाँ से आप याद कर सकते हो। इंडियन ओशन हम्बक डॉल्फिन, ये भी इंडेंजर्ड पे आती है कैटेगरी इसका। IUCN प्रेफर करती है शैलो और शोर वाटर कंट्रीज का इंडियन ओशन में, पाई जाती है आपका साउथ अफ्रीका, साउथ में नॉर्थ वेस्टर्न अराउंड कोस्ट ऑफ ईस्ट अफ्रीका, मिडिल ईस्ट भी आता है, वेस्ट कोस्ट आता है इंडिया का। लास्ट जो न्यूज़ है उसके बाद हम इसको ओवर कर रहे हैं वो है फिशिंग कैट। छिलका डेवलपमेंट अथॉरिटी, छिलका मैं बता दूं ओडिशा में है और इस छिलका लेक जो है उन्हें डेजिग्नेट करा है फिशिंग कैट जो एक एम्बेसडर है छिलका लेक की ओडिशा की। ये एक बड़ा स्टेप है कंजर्वेशन ऑफ फलाइन स्पीशीज का। फिशिंग कैट का IUCN स्टेटस है वनरेबल। तो फिशिंग कैट एक अडेप्ट स्विमर है और ये डाइव कर सकती है ताकि वो कैच करे फिश को। नॉक्टोरल है, अपार्ट फ्रॉम फिश ये प्रे करती है फ्रॉग पे, स्नेक्स पे और बड़े सारे एनिमल्स पे जो लार्ज में रहते हैं। वेटलैंड इसका फेवरेट हैबिटेट है और इसलिए वेटलैंड आपको पता ही छिलका लेक भी वेटलैंड ही है और इसलिए हैबिटेट करती है मेनली मॉनग्रोव फॉरेस्ट पे जो सुंदरबन में छिलका लेक है और आपका फुटहिल्स ऑफ हिमालय अलॉन्ग गंगा ब्रह्मपुत्र वैलीज जो वेस्ट और वेस्टर्न घाट में भी। कंजर्वेशन स्टेटस IUCN का वनरेबल बात करके साइट्स की अपेंडिक्स 2 पे आती है, ठीक है। मोस्टली जिसकी हमने अभी तक बात करी है ऊपर वो अपेंडिक्स 1 पे आती है। टाइगर की बात करें, स्नो टाइगर, स्नो लेपर्ड की बात करें और आपका चीता की बात करें वो भी अपेंडिक्स 1 में आता है अपेरेंटली। शेड्यूल 1 की बात करें तो ये शेड्यूल 1 पे आती है लंडन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 और इनको प्रोटेक्ट करते हैं हंटिंग से। थ्रेट क्या है इसका? फिशिंग कैट का हैबिटेट लॉस डेवलपमेंट की वजह से जो वेटलैंड्स हो रहे हैं। एक्वाकल्चर हंटिंग फॉर मीट एंड स्किन। और यहाँ पे लास्ट से 2012 की न्यूज़ है कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने ऑफिशियली डिक्लेयर करा है फिशिंग कैट स्टेट एनिमल। स्टेट एनिमल है फिशिंग कैट वेस्ट बंगाल की। छिलका लेक के बारे में हम सबको पता है वैसे, पर हमें जानने की ज़रूरत है क्योंकि पूछा जा सकता है। ब्रैकिश वाटर है, शैलो लगून है, एश्योरी कैरेक्टर है ओडिशा में, लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर है एशिया में और इंडिया का ओल्डेस्ट रामसर साइट है, सबसे पहली साइट है
लार्जेस्ट स्विमिंग ग्राउंड है माइग्रेटरी वाटरफाउल, जो कि इंडिया में ही पाया जाता है, फाउंड एनीवेयर इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो माइग्रेटरी इन पॉन्ड है वाटरफाउल की, वाटरफाउल जिसको इसको प्रोनाउंस करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है नलबाना आइलैंड, जो छिलकरा लेक के अंदर है, वो नोटिफाइड करा जाता है एज अ बर्ड सेंचुरी अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो ये इंक्लूड है मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में, मॉन्ट्रेक्स भी इंपॉर्टेंट है 93 जो आता है रामसर कन्वेंशन के अंडर, बट ड्यू टू सक्सेसफुल रेस्टोरेशन जो छिलका लेक डेवलपमेंट अथॉरिटी का है, इसने रिमूव कर दिया था मॉन्ट्रेक रिपोर्ट को 2002 में, और फर्स्ट साइट था एशिया से। ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है। तो इसी के साथ ही न्यूज़ ख़त्म होती है, नेक्स्ट में हम पूरा इसको थर्ड का पूरा कवर कर देंगे मोस्टली। तब तक के लिए बाय।